हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से दैट इन अ सोनोमीटर वायर टेंशन इज मेंटेन्ड बाय सस्पेंडिंग अ 57.5 केजी मास फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ वायर। द सस्पेंडेड मास इज अ वॉल्यूम ऑफ 0.0075 मीटर क्यूब। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इज 260 हर्ट्ज। फाइंड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ द सस्पेंडेड मास इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपके पास सोनोमीटर वायर जो वेलोसिटी मेजरमेंट करने का काम आता है, किस टाइप का होता है सोनोमीटर वायर? आपके पास एक साइड से फिक्स एंड होता है और यहाँ पर ऐसे एक मेटल वायर होता है जनरली, और यहाँ पर इसके दूसरी साइड एक मास लटका दिया जाता है जिससे कि इस वायर के अंदर टेंशन रहे। इसका मास मान लीजिए एम है, और यहाँ पर आपके पास दो नोब होती इस तरीके से जिनको स्लाइड किया जा सकता है। अब आपके पास इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कोई टेंशन टी होगी वायर के अंदर, और यहाँ पे जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली उसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है सोनोमीटर वायर के लिए फ्रीक्वेंसी, वो होती है अपने पास वी बाय लेमडा, और जहाँ पे वी वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है वी के अंडर रूट टी बाय म्यू। यहाँ पर म्यू के आपके पास इसकी मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो, आपको पूछ रखा है कि इनिशियली ये एयर के अंदर है, जब इसको कंप्लीटली मान लीजिए वाटर के अंदर सस्पेंड कर देते हैं लेकिन पूरी तरीके से, तो आपके पास ये बताने इसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रखी 260 हर्ट्ज, जब इसको वाटर में सस्पेंड कर दे तो आपको बताएं सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे अपन क्या करते हैं, इसको वायर के अंदर सॉरी लिक्विड के अंदर डिप किया, तो यहाँ पर एम जी फोर्स के साथ साथ एक बायोन्सी फोर्स भी लगेगी एफ बी, तो वायर के अंदर टेंशन है टी, ये आपका चेंज हो जाएगा। एयर के अंदर टेंशन क्या होगा एम जी के बराबर, लेकिन वायर के अंदर जैसे ही लिक्विड इस मास को लिक्विड में डिप करेंगे बायोन्सी फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपके पास इस न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं, तो बेसिक की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की कॉन्सेप्ट जो होगा इस न्यूमेरिकल के लिए, वो क्या होगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके पास कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, टी टेंशन है, और म्यू लीनियर मास डेंसिटी है। अगर इस वायर को अपन सॉरी इस मास को अगर किसी लिक्विड में डिप कर दें तो यहाँ पर वैल्यू में किसके में चेंज आएगा, टेंशन में चेंज आएगा। टी तो आपके पास मान लीजिए ओल्ड टेंशन है, जो जब कब थी, जब आपने पास मास क्या था एयर के अंदर हैंग था, तो टी तो क्या होगी मान लीजिए आपके पास ओल्ड टेंशन, और टी डैश बोल देते न्यू टेंशन, कब होगी जब अपन इसको लिक्विड में डिप कर देंगे न्यू टेंशन। तो जो ओल्ड टेंशन है आपके पास वो किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी, जितना मास होगा उसके कारण जो वेट आएगा वही इस वायर में टेंशन जनरेट करेगा, लेकिन टी डैश जो नई टेंशन है आपके पास वो किसके कारण चेंज हो जाएगी, इस बायोन्सी फोर्स के कारण। और इस टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेसिकली आपके पास देखा जाए तो एम जी माइनस बायोन्सी, एम जी माइनस बायोन्सी फोर्स। तो एम जी मास को क्या ले सकते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मान लेते हैं डेंसिटी कितनी है आपके पास ब्लॉक की या मास की रो, और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है V, और ये हो गया जी, माइनस बायोन्सी फोर्स होता है आपके पास डेंसिटी किसकी लिक्विड की, वाटर दे रखा है यहाँ पे, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम जब लिक्विड के अंदर डिप है तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम होगा इनटू जी। तो यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ जाएगी आपके पास मान लीजिए रो वी जी, ये कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा वन माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइड बाई रो ऑफ मास। तो यहाँ पे देखिए रो ऑफ वाटर तो आपके पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और रो ऑफ मास अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है, और कर भी सकते हैं, आपको मास गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, तो अपन जानते हैं जो डेंसिटी होती है बेसिकली वो क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम,
यहाँ से मान लीजिए अगर ब्लॉक का या मास की डेंसिटी निकालना चाहे तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको जो मास दे रखा है 50.7 किलोग्राम और वॉल्यूम दे रखा है इसका 0.0075। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 6760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अपने पास जो नई टेंशन हो जाएगी टी डैश, और यहां पर तो आपके पास रो वी जी 1 माइनस रो ऑफ वाटर दैट इज 1000 डिवाइड बाय रो ऑफ ब्लॉक 6760। अब आपके पास जो क्वांटिटी रो यानी कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एम जी, एम जी के बराबर। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 6760 माइनस 1000 डिवाइड बाय 6760। तो ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास टी डैश की, टी की होगी ओल्ड टेंशन की। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको यहाँ से, जो टी डैश होगा आपका नया टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ओल्ड टेंशन पर। इस फैक्टर को सोल्व करें अपने पास तो ये आएगा 0.852। तो अपने पास नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी एफ डैश, मान लो नई फ्रीक्वेंसी आपके पास ये हो जाएगी 1 बाय लेमडा अंडर रूट टी डैश बाय म्यू। ये होगी न्यू फ्रीक्वेंसी आपके पास। सपोज करते हैं आपके पास ऐसी इक्वेशन यहाँ पर थी जो फ्रीक्वेंसी की कितनी आई थी ये है, तो ये होगी मान लीजिए इक्वेशन नंबर एक, और जो आपके पास यहाँ पर है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो अगर एक और दो को डिवाइड करें इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन, तो आपका क्या बन जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओनली आपके पास क्या बचेगा टी डैश अपॉन टी। तो टी डैश अपॉन टी का रेशो आपके पास कितना है 0.852 यहाँ से लिख सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी ओल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो कितनी है 260, तो हो जाएगा 260 इंटू अंडर रूट यहाँ से एफ डैश की वैल्यू लिखे हैं, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 260 अंडर रूट 0.852। तो इसको सोल्व करें अपने पास तो एफ की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 240 हर्ट्स। ये आपके पास नई फ्रिक्वेंसी होगी जो डिक्रीज होगी, किसकी वजह से डिक्रीज होगी टेंशन के कारण, क्योंकि टेंशन आपका कम हो गया बायंसी फोर्स के कारण। सो अवर आंसर इज 240 हर्ट्स। तो इस न्यूमेरिकल में सिंपल आपके पास सोनोमीटर वायर दे रखा है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास सोनोमीटर वायर्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके पास टेंशन पर और लीनियर मास डेंसिटी पर। पहले केस में आपके पास एयर के अंदर मास है, दूसरे केस में इस वाले मास को पूरा लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा बेसिकली टेंशन में चेंज आएगा, किसकी वजह से इस बायोसिक फोर्स के कारण। तो आपकी बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी कि म्यू की वैल्यू सेम है, लेमडा की वैल्यू सेम है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी होगी। तो नई फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अपन कैसे, बायोसिक फोर्स का यूज करके, उसकी इक्वेशंस को यूज करके। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है 240 हर्ट्ज आ रहा है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। स्टॉप करो।